भारी डिमांड थी, भारी एकदम एकदम बरस रही थी एकदम फुल। तो हमने कहा जो बरस रही है डिमांड में छाता लगाने के बजाय इसी में नहा लेते हैं। तो नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार और मैं नहाने आया हूँ डिमांड में। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नॉनवेज पकौड़ा बोला था आपने कि भाई नॉन वेज पकौड़ा देखना ही देखना है, वेज पकौड़े दिखाते रहते हो। तो आज जो है फ्राइडे भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मैंने कहा चलो नॉन वेज पकौड़ा बनाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार टाइप के नॉन वेज पकौड़े। चिकन पकौड़ा, फिश पकौड़ा, अंडा पकौड़ा और चिकन लीवर पकौड़ा। हो गई पार्टी एकदम सेट। कॉलिंग एंड एक्शन। तो नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार और चिकन पकौड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन, फिश पकौड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए फिश, अंडा पकौड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए अंडे और चिकन लीवर पकौड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन लीवर। तो एक काम करते हैं, चिकन चिकन से शुरू करते हैं। चिकन से यह है जी चिकन की ब्रेस्ट, इसको काटते हैं हम बाइट साइज। बाइट साइज मतलब छोटा छोटा। ये भी बोल सकते हैं रणवीर हम, ये तो बड़ी है हमारी बाइट से, आप अपनी बाइट के हिसाब से काट लीजिएगा। ये तो हो गया चिकन ब्रेस्ट। अभी क्या है कि चाहे तो मैं आपको एक बैटर दिखा दूँ सबका और फटाफट से धुड़ूम धड़ाम करके उसी बैटर में चीज़ें डाल के फ्राई करता हूँ, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? और आप कहेंगे रणवीर ये शॉर्टकट जो है ये काम नहीं आया, तो मैं हर एक का बैटर भी अलग अलग दिखाऊंगा। ये गया चिकन, ठीक है? चिकन के अंदर सबसे पहले गया नमक, उसके बाद गया दही, उसके बाद गई अजवाइन, मिस मत कीजिएगा देखिए, उसके बाद गया अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद गई लाल मिर्च, उसके बाद गई हल्दी, उसके बाद डालेंगे जी धनिया टू वेज। वन वे तो ये कि धनिया के बीज, और दूसरा वे हरा धनिया। ये पड़ा हुआ है इसको चॉप कर लेते हैं। ये लो जी, अब इसी में बेसन डाल दीजिए। बेसन कौन सा? एकदम बारीक वाला। थोड़ा सा पानी या दही अगर डालना पड़े तो डाल लीजिएगा। अभी क्या है ना, क्योंकि आपने नमक डाला हुआ है तो चिकन भी वैसे भी पानी छोड़ेगा, तो अगर आपको लग रहा है कि बैटर जो है थोड़ा गाढ़ा है तो अच्छी बात है, बैटर को पतला नहीं करना। अब इसकी मोनोपोली क्या है, यही बैटर है और यही इसका मैरिनेशन है। तो बेसिकली मैंने साइंस क्या अप्लाई करी है, मैंने साइंस से अप्लाई करी है कि दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो चिकन को कर देंगे टेंडर, टेंडर उर्फ नरम, ठीक है? और जब चिकन हो जाएगा टेंडर तो उसके बाद जब आप उसके पकौड़े बनाएंगे तो ऊपर से क्रिप्सी और अंदर से नरम रहेंगे, और मकसद वही है कि ऊपर से क्रिप्सी अंदर से नरम होने चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये। बाकी आप चाहें तो चावल का आटा वाटा डाल सकते हैं, लेकिन चावल के आटे का दही का मेल नहीं है, बेसन दही का मेल है, इसलिए मैंने बेसन और दही का मेल बनाया। अगर आप और क्रिस्पी करना चाहें, चावल का आटा डालना चाहें, यॉर्क। लेकिन अगर हम फिश पकौड़ा बनाएंगे तो उसमें दही नहीं डालेंगे, बिकॉज दही जो है वो फिश को बिल्कुल गला देगा। आपको जो फिश मिल जाए वो ले लीजिए, हड्डी वाली अगर है तो सुरमई लीजिएगा, अगर आप बोनलेस लेना चाहते हैं तो बासा मिल जाती है, बासा ले लीजिए, अगर पॉम्फ्रे मिलती है तो पॉम्फ्रे भी बोनलेस ले सकते हैं, अगर सोल मिलती है तो वो तो बेस्ट है, रिवर सोल अगर बोनलेस मिलती है तो उसके पकौड़े अच्छे बनते हैं। कैटफिश अगर मिलती है ना, कैटफिश मांगूर बोलते हैं उसको, यहाँ पे साइड में भी एडिटर फोटो लगा देगा, वो बनाएगा। मतलब कैटफिश के जो पकौड़े हैं ना वो कुछ और ही होते हैं, जिस फिश में तेल ज़्यादा है वो तेल में अच्छे से तली जाएगी। अजवाइन, अजवाइन हर पकौड़े में, खासतौर नॉनवेज पकौड़े में जानी चाहिए, बिकॉज अजवाइन जो है वो हाजमे के लिए अच्छी होती है। और जब आप कोई भी पक्का खाना बनाते हैं, पक्का खाना मतलब फ्राइड फूड बनाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने में, हाजमा बेटर करने में अजवाइन चाहिए होती है। खास तौर एक तरफ बेसन है जो कि हाजमे के लिए स्ट्रांग होता है और दूसरा नॉनवेज है, इसलिए अजवाइन इज इक्वल टू कंपल्सरी। हल्का सा एसिड डालेंगे हम फिश में भी, लेकिन दही नहीं डालेंगे, नींबू डाल देंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट मेथी है। मेथी एक तो ये है जो आपको मिलती है, और एक ये है जो हमको मिलती है बॉम्बे में, गुजरात में, सब जगह खारी मेथी बोलते हैं, छोटी मेथी बोलते हैं। तो अगर आपको ये मिल रही है तो ये ले लीजिए, नहीं तो रेगुलर जो आप मेथी इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए। मेथी और मछली का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, हाजमे के लिए भी, सेहत के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। सब बता दिया मैंने, वरना आप जो है बगैर मेथी के फिश पकौड़ा बनाते हैं आपको स्वाद आता नहीं, आप मेरे मुँह की तरफ देखते हो और फिर आप कहते हैं रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया, मेरे मुँह की तरफ मत देखो, मेथी ले आओ,
देखिए मेरे को ये बोला जा रहा है कि छोटी मेथी डाल दो, लेकिन मैं छोटी मेथी नहीं डालूंगा, बिकॉज बहुत सारे हिंदुस्तान को छोटी मेथी नहीं मिलती। तो फिर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहाना मिल जाएगा, रणवीर हम तो नहीं बनाएंगे, हमारे पास छोटी मेथी नहीं है। बहाने हम नहीं छोड़ते, इसलिए हम बड़ी वाली मेथी चॉप करके डाल रहे हैं। ठीक है, अब मेथी की जो कड़वाहट है वो फिश को बैलेंस कर लेंगे। थोड़ी हल्दी सिंह। अच्छा जो फिश पकौड़ा है इसके अंदर आप दिल भी डाल सकते हैं। नहीं वो दिल डिल डिल सोया सोया बोलते हैं ना, सोया की भाजी, शेपू की भाजी, दिल लीव्स, वो दिल, ये वाला दिल नहीं डालना तो, वो डालेंगे तो और अच्छा लगेगा। मेथी के साथ वैसे भी उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सोया मेथी की जो सब्जी कभी बनाई है घर पे, बहुत कमाल बनती है। बस फिश को टूटने नहीं देना, ठीक है, ज़्यादा नहीं चलाना फिश को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने हाथ जो है बिल्कुल सॉफ्ट एंड जेंटल रखने। सरसों का तेल ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, बट लास्ट में डालिएगा, वरना आपका जो बैटर है वो इकट्ठा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा आपको। ये हो गया मैरिनेशन / पकौड़ा नंबर 2, फिश पकौड़ा। इसी में आप प्रॉन भी बना सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप झींगे का पकौड़ा बनाना चाहते हैं, सेम बैटर सेम मैरिनेशन, इसको रखो साइड। चिकन पकौड़े को कम से कम आधा घंटा मैरिनेट करके छोड़ना है, फिश पकौड़े को कम से कम 20 मिनट। चिकन लिवर जो होता है ना, उसके ऐसे दो लोब्स होते हैं, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये दो लोब्स अलग कर लीजिए ऐसे, और ये आपको बुचर के पास से वैसे भी साफ किया हुआ ही मिलेगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं आपको। लेकिन चीज़ बड़ी कमाल की बनती है, ये जो हाय हाय, ये जो लिवर का पकौड़ा होता है ना, बनता बहुत बढ़िया है, ये बता रहा हूँ आपको। अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे बना सकते हैं कि इसको पहले गर्म पानी में डाल के निकाल लें, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको बैटर में डाल के फ्राई कर दें। उस केस में क्या है, बहुत सारा फ्लेवर भी वो गर्म पानी में निकल के चला जाता है। दूसरा तरीका है जो मैंने मदुरई में, सेलम में, साउथ ऑफ तमिलनाडु में देखा था, जिसमें कि थोड़ा रिस्क है, कई बार चिकन लिवर फट जाता है, लेकिन जो टेस्ट है वो पूरा आता है, टेस्ट जो है वो फ्लेवर जो है वो लॉक हो जाता है। तो मैं उस स्टाइल में बना रहा हूँ, मदुरई स्टाइल, ठीक है। कच्चा ही ले रहा हूँ मैं, हल्दी कंपलसरी नहीं है, डालनी है तो डाल दीजिए। ले लीजिए ढेर सारी काली मिर्च, मामला बहुत गंभीर बनने वाला है ये वाला। थोड़ा कड़ी पत्ता और थोड़ा धनिया चॉप कर रहा हूँ मैं, ब्यूटीफुल, फुल एकदम बिंदास मिला लीजिए उसको। अब डालेंगे थोड़ा पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे पड़ता नहीं है इसमें। हाँ, अगर आपको मटन लिवर लेना है ना तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसको बारीक बारीक स्लाइस कर लीजिएगा, ठीक है जी। और अगर मटन लिवर को आप स्टीम कर लेंगे तो सूखी रहेंगे और इजी हो जाएगा आपके लिए हैंडल करना। काली मिर्च और लाल मिर्च दोनों जो है ना, वही इसकी मोनोपोली है, काली मिर्च स्पेशली, ठीक है। जी हींग, मिर्ची, हल्दी, अंडे पकौड़े के लिए अदरक लहसुन, दही, इसको धीरे धीरे चलाते रहिए, लंप हम सब निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं लंप्स जो है रह गए, तो छान लीजिएगा, वैसे रहेंगे नहीं, उसको धीरे 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 अगर आप चलाते रहेंगे तो लंप्स हम सब चले जाएंगे। ये लो जी, ये हो गया अंडे पकौड़े का बैटर। लो जी नमक डाल दिया, मिक्स कर दो अच्छे से, लंप्स अपने आप टूट जाएंगे सारे, नहीं तो फोर्क लेके मिक्स कर दो, बीटर लेके मिक्स कर दो, पड़े पड़े भी लंप्स जो है वो टूट जाएंगे, लंप्स की टेंशन ना लें, ठीक है। ये हो गया अंडे पकौड़े का भी प्रोग्राम ख़त्म। 4 नॉनवेज पकौड़े का मीज़ा प्लास रेडी है। अब ये गोल गोल घूमेंगे कटोरे ताकि आपको याद आ जाए किसका क्या मैरिनेशन था, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। पकौड़ा जो शब्द है वो आता है पकवता से, पकवटा मतलब पका हुआ खाना। उसके लिए कच्ची रसोई और पक्की रसोई को समझना बहुत ज़रूरी है। पक्की रसोई मतलब तला हुआ खाना और कच्ची रसोई मतलब उबला हुआ खाना। पुराने समय में खासतौर मानसून में इतनी ज़्यादा बीमारियाँ होती थी, पेट खराब होते थे, कि उबला हुआ खाना अगर बहुत समय तक रख दिया है तो ख़राब हो जाता था, उसकी वजह से और इंसान बीमार हो जाता था। इसलिए मानसून में पका हुआ खाना यानी कि पकौड़े यानी कि पकवटा शुरू से ही हिंदुस्तान में पॉपुलर रहा है, बिकॉज़ उसके अंदर जर्म्स नहीं होते और वो शरीर को बीमार नहीं करता। तो
पकोड़े को समझने के लिए पकवटा को समझना बहुत जरूरी है, पकवटा को समझने के लिए पक्की रसोई और कच्ची रसोई को समझना जरूरी है, और इन दोनों का कनेक्शन सेहत से और मौसम से समझना बहुत जरूरी है। ये हैं चिकन उर्फ मुर्ग पकोड़े। देखिए चिकन ने अपने आप पानी छोड़ा, बैटर ने बराबर पकड़ लिया। पहले हाफ डन करके सारे रख लूँगा मैं, फिर बाद में फुल डन करूँगा। और फुल डन करने से पहले आपको दिखाऊँगा एक स्पेशल नॉनवेज पकोड़े का मसाला। ऐसे अटका लेता हूँ, देखो जिसने जिसने सोचा होगा कि अरे हो गया पकोड़ा, अभी समझ में आ गया, अभी हम तल लेंगे, उसको हमने अटका दिया। अब मसाले के लिए वेट करना पड़ेगा, और मसाला कहाँ आएगा वो भी नहीं बताऊँगा, कितने सेकेंड पर कितने मिनट पर, करो वेट। हेलो जी, अब फिश पकौड़ा सरों वाला उर्फ सरसों वाला। ये पंजाबियों की फिश पकौड़े के साथ थोड़ी सी ना निकल जाती है सरसों की सरों। बहुत डेलिकेटली हैंडल कर रहा हूँ, देखिए मच्छी को वो भीनी भीनी सी आ रही है अब खुशबू सरसों की प्लस मेथी की। मेथी वो एक्चुअली अच्छा किया रणवीर, मेथी के साथ सरसों डाल दिया, वो और चौधरी का चांद हो गया, मतलब नहीं क्या बोलते हैं उसको, चार सितारे लगा दिए, ऐसे कुछ होता है ना मुहावरा, चौधरी का चांद गलत हो गया था, चका चौंद लगा देना इज राइट, है ना। हाँ चका चौंद मेरी साथ में चलती रहती है ना मुहावरों की क्लास। फिश को खास तौर से हाफ डन करना है, क्यों, क्योंकि डेलिकेट होती है, पहले ज़्यादा पका दिया तो फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ठीक है जी, पकौड़ा नंबर दो रेडी। अब पकौड़ा नंबर तीन, पकौड़ा नंबर तीन अंडे का बना देते हैं, पकौड़ा नंबर चार बनाएंगे लास्ट में लिवर का। लिवर का लास्ट में क्यों, क्योंकि लिवर का पकौड़ा जो है फट सकता है, तेल जो है एकदम गर्म चाहिए उसके लिए। ठीक है, अभी ये है जी अंडा, अंडे को आप लीजिए एकदम लपेटम लपेट। आप चाहें तो इसको ड्राई बेसन में कोट कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर ड्राई बेसन में कोट करेंगे तो और बढ़िया बनेगा। एक ड्राई बेसन में कोट करके दिखाई देता हूँ आपको, फर्क समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो जी, इसमें लगा नहीं है बेसन, ये है एग्जाम्पल। अभी दूसरा एग्जाम्पल विद बेसन दिखाता हूँ आपको। बेसन में नमक मिर्ची मिला ली, और फिर बेसन को मिला लिया, और फिर बेसन में अंडे को मिला लिया, और फिर अंडे को बैटर में मिला लिया। यहाँ पर जो चिकनी सतह है उसके ऊपर खुरदुरा बेसन चिपक गया। अब फिर वो खुरदुरे बेसन ने चिकने बैटर को पकड़ लिया। बस चिकने और खुरदुरे में हम बावर्चियों की जिंदगी निकल जाती है। तो बेसिकली अगर आप बेसन नहीं लगाएंगे तो ऐसा अंडा बनेगा, सूखा बेसन नहीं लगाएंगे, और अगर सूखा बेसन लगाएंगे तो ऐसा अंडा बनेगा। मर्जी है आपकी, आखिर चुनाव है आपका, आखिर अंडे हैं आपके। ठीक, अब ये जो है मेरी गलती थी, लेकिन मैंने इसको घुमा लिया। ये जो है दूर होके है, ये पटाखा फट सकता है, चोट नहीं खानी। चिकन लिवर के अंदर होता है पानी, ये लो जी, ये मामला है बम, बम एक तरफ है, मामला एक तरफ है। ओए होए होए होए, चिकन लिवर जो है वो पकने के बाद श्रिंक होगा, तो ऐसा है पकोड़े आपको दिखने में लगेगा कि यार ये तो बड़े अजीब से हैं, दिखने में और खाने में जमीन आसमान का फर्क है, ये सोच लीजिएगा। कायदे से चिकन लिवर इससे ज़्यादा नहीं पकना चाहिए, मीडियम, लेकिन हम हिंदुस्तान में इसलिए हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे, लेकिन कायदे से चिकन लिवर इतना ही पकना चाहिए। देखो जी, मैंने कहा अगर आप नॉनवेज पकोड़े बना रहे हैं तो नॉनवेज पकोड़े का मसाला अलग होता है, रेगुलर चाट मसाला नहीं डालना उसके ऊपर। ठीक है जी, काली मिर्च, अपना भगवान भला करे धनिया, थोड़ी सी सौंफ, जीरा, थोड़ी सी मेथी, इसको लाइटली टोस्ट करना है, बाद में अमचूर डाल देना है, और इसको मिक्सी में घुमा देना है। फाइन पाउडर नहीं करना, लेकिन दरड़ा दरड़ा पाउडर करना है। दरड़ा दरड़ा समझते ना, जो दांतों के नीचे दरड़ दरड़ करे जो वो। अब इतनी मेहनत करके, इतनी मेहनत करके मैंने आपका बारिशों का जुगाड़ कर दिया, आपने इस वीकेंड पे जो दोस्तों को बुलाना है चाय पे शाम को आराम से, उसका जुगाड़ कर दिया है, और मैंने आपका पूरी की पूरी जो टी पार्टी होती है ना, टी पार्टी होती है ना वीकेंड पे शाम वाली टी पार्टी, उसका जुगाड़ कर दिया, थैंक यू बोल दीजिएगा है। और चाहे चार में से तीन बना लीजिए, लेकिन अगर लोगों ने उंगलियां नहीं चाटी और बोला नहीं वंस मोर गाने के लिए, नाम बदल दिया।
अभी इसमें जो है इसका टोटल मसाले का एक तिहाई अमचूर डालना है बाद में, ठीक है जी। ये जा रहा है मिस्की में, मिस्की में इसको पीसना है, मिस्की उर्फ मिक्सी। जो हाफ डन था ना, जो काम आधा था, उसे पूरा करना है ना। और जब आप शाम को लोगों को बुलाएं पार्टी पे, टी पार्टी पे, तो ऐसे हाफ डन करके सारे रख लीजिएगा, उसके बाद जितना जरूरत है उतना फुल डन कीजिएगा, ये ट्रिक मत भूलिएगा। क्रिप्सी का क्रिप्सी, करारे का करारा, पकोड़े का पकोड़ा, और जो मीट और फिश है वो ही पक जाएगी। अंडा तो ऑलरेडी पका हुआ है। हेलो जी, तो चिकन लिवर की कसर थी वो भी पूरी हो गई। होठों से छू लो तुम मेरे पकोड़े, अमर कर दो। लाओ तुम बेसन के संग। ये देखिए दूसरा वाला पकोड़ा अंडे का, इसको ऐसे काट लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, अर्ध चंद्र आधा चांद। एक बार आजा आजा। अब ये देखिए चिकन पकोड़ा, ये देखिए फर्स्ट क्लास पक गया चिकन, ओवर कुक नहीं करना, देखिए जूस रहना चाहिए अंदर। ये देखिए ब्यूटीफुल मसाला। अब ये है परफेक्टली कुक चिकन लिवर, इससे ज्यादा चिकन लिवर कुक नहीं करना, हमारे गांव में तो नहीं करते। आप क्या सोच रहे हैं, आप गिलास में चाय नहीं पीते क्या? नॉनवेज पकोड़े सुने और बस वहीं दिमाग चला गया है ना। बनाइएगा जरूर चाय के साथ, और चाय के साथ और बारिश में तो मतलब थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव। देखिए ये हंसी मजाक तानेबाजी नोक झोंक लेना देना चलता रहेगा, वो मेरी आदत है, वो मेरी फितरत है, अब मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। अब बुढ़ा हो चुका हूँ, टू ओल्ड टू चेंज, बट थैंक यू फॉर द लव, दैट्स ऑल आई कैन से। एंजॉय योर टी एंड एंजॉय द पकौड़ा।